अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मतलब अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं यानी कि जो रिटायर हो रहा है वो जा तो रहा है उसके बाद पीछे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल को कैसे एडजस्ट करते हैं वो देखते हैं चलो सबसे पहला पार्ट देख रहे हैं क्वेश्चन आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे एक्स वाई जेड पार्टनरशिप में है कैपिटल शेयर कर रहे हैं उनकी बैलेंस शीट दी गई है क्रेडिटर्स है वर्कमैन कंपेशन फंड है जनरल रिजर्व है जिसे हम बांट देंगे कैपिटल जी हुई है कैश है एसेट साइड पे डेटर्स है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, 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 है स्टॉक मतलब होता है कि डेटर का टोटल टेन परसेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में डालना है ठीक है गुडविल वैल्यू की गई है थर्टी सिक्स थाउजेंड टू बी एडजस्टेड इन टू पार्टनर्स कैपिटल उंट ऑफ एक्स एंड जेड हु इन द फ्यूचर विल बी थ्री फ्यूचर रेशियो उनकी थ्री टू वन है और थर्टी सिक्स थाउजेंड गुडविल वैल्यूड है उसके बेसिस पे ये रिटायरिंग पार्टनर को देंगे ठीक है देख लेते हैं वो भी कैसे देंगे इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सनब्री क्रेडिटर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम विच वॉज नॉट अराइज विचुअल नॉट arise का मतलब अब नहीं होने वाला है मतलब प्रॉफिट हो गया क्रेडिटर्स को देना नहीं है चलो नेक्स्ट एक्स एंड जेड ऑल्सो डिसाइडेड द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म विल बी वन लाख ट्वेंटी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉड इन और टू बी पेड ऑफ ऑन इन इन द केस में मतलब हमें इनको अपनी कैपिटल वन लाख ट्वेंटी रखनी है अगर कुछ कुछ कम ज़्यादा हुआ तो देना लेना करेंगे टली एंड बैलेंस के लोन में ट्रांसफर कर देंगे चलो ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं इसमें पहला पार्ट है कैपिटल का जिसमें फिक्स कैपिटल दे दी गई है उस फिक्स कैपिटल को रिमेनिंग पार्टनर्स में बांट कर कैश का लेना देना हम करेंगे चलिए लेट स्टार्ट विद रिवेलुएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ये क्वेश्चन आप देख रहे थे आपको इस क्वेश्चन को हम रिवैलुएशन बैलेंस शीट और प्रॉफिट

तो लिखेंगे क्रेडिट साइड पे क्रेडिटर्स कितने 2500 के अब क्लेम नहीं होंगे हमें फायदा है क्रेडिटर्स थे कितने पहले यहाँ पे लिखते हैं एसेट में सो क्रेडिटर्स लायबिलिटी नॉट एसेट है ना तो क्रेडिटर्स हमारे पास पहले थे 16600 सो so, इस 16600 में से 2500 चले गए दैट इज 14,100 थाउजेंड वन हंड्रेड हमारा क्रेडिटर्स रह गए ठीक है एक ये चीज़ थी उसके अलावा उन्होंने बोला था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम टेन परसेंट कर दें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपने देखा था डेटर्स डेटर्स थे ट्वेंटी वन थाउजेंड के ट्वेंटी वन थाउजेंड का टेन परसेंट ट्वेंटी वन हंड्रेड और उसमें ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फोर्टीन हंड्रेड था तो हमें ट्वेंटी वन हंड्रेड करना है मतलब बेसिकली सेवन हंड्रेड से बढ़ाना है तो यहाँ हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफॉल डेट सेवन हंड्रेड से हमने बढ़ा दिया ठीक है सो दिस पार्ट इज डन अब अब इसके अलावा तो कुछ भी रिवैल्युएशन के अंदर लिखा नहीं था रिवॉल्युएशन की दो ही एंट्री थी तो अब क्या है प्रॉफिट थे प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं चलिए प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अब तीनों में ही होगा चाहे वाई इसमें रिटायर हो रहा है तो भी तीनों में ही होगा क्योंकि ये सारी चीजें उसके पहले से हैं सो एक्स वाई जेड थ्री इज टू टू इज टू वन अभी बताया कैपिटल की ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसलिए थ्री इज टू टू इज टू वन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड माइनस सेवनटीन हंड्रेड आता है एटीन हंड्रेड कर सकते हो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड माइनस आ गया एटीन हंड्रेड एटीन हंड्रेड इंटू थ्री बाई सिक्स यानी कि आधा नाइन हंड्रेड एटीन हंड्रेड इंटू टू बाई सिक्स तो करोगे सिक्स हंड्रेड और दिस इज थ्री हंड्रेड तो ये आ जाता है आपका एटीन हंड्रेड एंड दिस पार्ट इज कम्पलीटेड ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है प्रॉब्लमेटिक भी नहीं है सेम ही जा रहा है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड दे देते हैं यहाँ पे बाय री वैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट दे रहे हैं कितने दे रहे हैं नाइन हंड्रेड सिक्स हंड्रेड थ्री हंड्रेड चल ये वाला पार्ट खत्म हो गया हमारा अब इसमें प्रोविजन हाँ प्रोविजन को यहाँ भी लिख लें एसेट में भूल नहीं जाना है साथ साथ करना है तो डेटर्स थे हमारे कितने डेटर्स ट्वेंटी वन हंड्रेड ट्वेंटी वन थाउजेंड थे माइनस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट पी डी डी अब ट्वेंटी वन हंड्रेड हो गया मतलब टेन परसेंट ठीक है जीरो ज़ीरो नाइन टेन में से दस एट वन तो एटीन नाइन हंड्रेड एटीन नाइन हंड्रेड हो गया हमारा डेटर्स चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या दिया था उन्होंने नेक्स्ट पार्ट अब आ, कोई और चीज तो है नहीं बैलेंस शीट से रिलेटेड गुडविल का एक पार्ट दिया था गुडविल थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज की वैल्यूड थी उसका हमें देना लेना करना पड़ेगा चलो देख लेते हैं गुडविल था हमारा फॉर्म का थर्टी सिक्स थाउजेंड हाँ बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे हमारा जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड था जो जिसका क्लेम नीचे कहीं भी नहीं दिया है जिसका कोई भी पार्ट नहीं है तो उसको हम बांट देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर पहले वो वाला पार्ट बांट लेते हैं जनरल रिजर्व वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा बाय जनरल रिजर्व एंड बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड ठीक है बाय बायमैन जनरल रिजर्व था और वर्कमैन कंपनसेशन फंड था जनरल रिजर्व नाइन थाउजेंड एंड सॉरी जनरल रिजर्व एंड कंपनसेशन नाइन थाउजेंड था डब्ल्यू सी आर नाइन थाउजेंड एंड वर्कमैन कंपनसेशन तो हो गया हमारा जनरल रिजर्व था हमारा सिक्स थाउजेंड इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना थ्री टूज में मतलब आधा फोर्टी फाइव हंड्रेड थ्री थाउजेंड फिफ्टीन हंड्रेड इसको भी थ्री इज टू टू वन में थ्री थाउजेंड टू थाउजेंड वन थाउजेंड तो इसको यहाँ लिख देंगे जनरल रिजर्व में डालेंगे थ्री थाउजेंड टू थाउजेंड वन थाउजेंड एंड देन दिस वाज फोर्टी फाइव हंड्रेड एंड दिस वाज थ्री थाउजेंड फिफ्टीन हंड्रेड ओके तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वर्कमैन कंपनसेशन फंड जनरल रिजर्व उससे अलावा हमारा क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी साइड पे कुछ था नहीं ठीक है चलो नेक्स्ट नेक्स्ट वन पार्ट था हमारे गुडविल वाला पार्ट भूल गए थे हम इस हाँ। पे आ जाते हैं गुडविल वाले पे गुडविल हमारे फर्म किया थर्टी सिक्स थाउजेंड जो पार्टनर जा रहा है वो पार्टनर कौन है वाई जो पार्टनर जा रहा है वो कौन है वाई तो वाई शेयर निकालना पड़ेगा शेयर इज इसका शेयर कितना था थ्री इज टू इस टू वन टू बाय सिक्स टू बाय सिक्स सिक्स थाउजेंड हुआ ये ट्वेल्व थाउजेंड अब ये ट्वेल्व थाउजेंड लेकर जाएगा किससे x एक्स और जेड से बट एक्स और जेड ने तो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लिया है न्यू रेशो उसमें दी थी ना थ्री इज टू वन इफ़ यू रिमेंबर थ्री इज टू वन तो हमें निकालना पड़ेगा गेन गेन निकालना कैसे होता है गेन न्यू माइनस ओल्ड किया ना हमने सन सेक्रीफाइस के लिए और गेन के लिए ये चलो एक्स का कितना है न्यू रेशियो थ्री बाय फोर ओल्ड कितना है थ्री बाय सिक्स नीचे इन दोनों का कॉमन ट्वेल्व लेंगे एक ऐसा नंबर जो दो दोनों से डिविजिबल हो छोटा हो फोर ट्वेल्व डिवाइड बाय फोर थ्री थ्री इंटू थ्री नाइन ट्वेल्व डिवाइड बाई सिक्स टू टू इंटू थ्री सिक्स तो ये हो गया थ्री बाय ट्वेल्व ये इसका गेनिंग है आ जाओ z पे वन बाय फोर माइनस जेड का कितना रेशियो था पहले वन बाय सिक्स थ्री टू इज टू वन वन बाय सिक्स बारह ट्वेल्व थ्री माइनस टू वन बाई ट्वेल्व तो थ्री एस टू वन जो उनकी न्यू रेशो है बेसिकली वही उनकी गेनिंग रेशो है यस yes, तो गेनिंग रेशो है चलिए अब इस गेनिंग रेशो में हम बांट देंगे ये बारह हजार रुपये चलो ले लेते हैं थ्री टू वन मतलब ट्वेल्व थाउजेंड इंटू थ्री बाई फोर यानी कि नाइन थाउजेंड एंड थ्री थाउजेंड चलो अब मिलेगा किसको? Y को देगा कौन X एंड Z। यहाँ लिखते हैं टू वाइस कैपिटल Y को कैपिटल में दे रहे हैं कितना दे रहे हैं ये नाइन थाउजेंड दे रहे हैं एंड दिस इज थ्री थाउजेंड ओके दिस साइड ऑल्सो थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं बहुत सारा लिखना है hmm. तो यहाँ पे बाय अब वाई को कौन देगा एक्स देगा और साथ में Z देगा ये दोनों ही देने वाले हैं कितना कितना दे रहे हैं वन इज गिविंग नाइन थाउजेंड अनदर इज गिविंग थ्री थाउजेंड इतना तक तो हमारा हो चुका और तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं है ना अब उसके बाद इन्होंने बोला Y को इमीडिएटली नाइन थाउजेंड पे कर देते हैं हम Y को इमीडिएटली नाइन थाउजेंड पे कर देते हैं और अपनी कैपिटल को वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड हम रखेंगे कैश लेना देना करेंगे ठीक है अब पहले Y को देख लेते हैं Y को देना कितना है बाकी उसके लोन में ट्रांसफर करना है सिक्सटी सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव प्लस थ्री सिक्सटी एट सिक्सटी एट प्लस नाइन सेवेंटी सेवन सेवेंटी सेवन सिक्स हंड्रेड है उसका अमाउंट वो सेवेंटी सेवन सिक्स हंड्रेड में से हमने नाइन थाउजेंड तो इमिडिएटली पे कर देने हैं तो बचेगा कितना एट सिक्स सिक्सटी एट सिक्स हंड्रेड तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू अगेन कैश है हमारे पास या बैंक है दोनों में से जो भी है उसमें से देंगे पहले से वाई को नाइन थाउजेंड बचा हुआ उसके लोन में डाल देंगे वाइज लोन अकाउंट कितना बचा हुआ है सिक्सटी एट सिक्स हंड्रेड अब इसका टोटल वाई का टोटल तो हो चुका वाई को कुछ देना लेना नहीं है दैट इज सेवेंटी सेवन सिक्स हंड्रेड सेवेंटी सेवन सिक्स हंड्रेड चलो ये बात भी समझ में आ गई अब बोल रहे हैं कि भाई X और Z का हमें कैपिटल करना है वन लाख ट्वेंटी अब वन लाख ट्वेंटी को नए रेशियो में अगर मैं बांटू थ्रीज टू वन तो वो आता है नाइन्टी एंड थर्टी नाइन्टी एंड थर्टी तो मतलब यहां पे टू बैलेंस कैरेट डाउन जो रहेगा यहाँ पे रहेगा नाइन्टी एंड इट विल बी थर्टी ठीक है अब देखें लाना पड़ेगा कि देना पड़ेगा देख लेते हैं चलो Z का थर्टी वन थर्टी टू थर्टी टू एट हंड्रेड है और जबकि यहां पे थर्टी थ्री थाउजेंड है यहां पे थर्टी थ्री थाउजेंड है सी क्लियरली यहां पे थर्टी टू एट हंड्रेड है मतलब टू हंड्रेड रुपीज मंगाने पड़ेंगे चलो ठीक है यहां पे बाय कैश कर देते हैं मंगाना है यहां पे डालेंगे कितना टू हंड्रेड ओके डन यहां पे भी हो गया थर्टी थ्री यहां पे भी हो गया थर्टी थ्री अब आ जाओ यहां पे नाइनटी नाइनटीन तो कट ही रहा है ठीक है फोर थाउजेंड फोर प्लस थ्री सेवन हो गया यहाँ पे नाइन है सेवन प्लस एट थाउजेंड फोर हंड्रेड है यहाँ और ये नाइन थाउजेंड है मतलब सिक्स हंड्रेड और मंगवाने पड़ेंगे ठीक है भाई मंगवा लेते हैं सिक्स हंड्रेड यहाँ पर मंगवाने पड़ेंगे टू हंड्रेड यहाँ पर मंगवाने पड़ेंगे देखना पड़ेगा ठीक है और ये अपने पास हो गया नाइन्टी नाइन टोटल यहाँ पे थर्टी थ्री टोटल यहाँ पे अपना वही सेम 99 टोटल क्योंकि अब तो 600 मंगा लिए ना यहाँ भी 33 टोटल और यहाँ पे देखो 600 एंड 900 हंड्रेड हमने मंगवाए हैं कैश में जो भी कैश का बैलेंस था हमारे पास कैश का बैलेंस था 15000 इस 15 में से हमने नाइन तो इमीडिएटली पे किया था दस वन नाइन इमीडिएटली पे किया था 600 प्लस हुआ था वो लेकर आए हैं मतलब एक्स लेकर आया है जेड भी 200 हंड्रेड लेके आया है 800 तो 800 हंड्रेड बेसिकली एड हो गया तो दिस विल बी 6800 पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है 6800 थाउजेंड देन नेक्स्ट हम कर चुके हैं सारा काम कर चुके हैं ना पहले देखो आपको याद है वो फाइव हेड्स में बोलती थी हमेशा कि पहले पांच चीज़ें देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कर चुके सेकंड रिवालुएशन कर चुके थर्ड गुडविल गुडविल से रिलेटेड हमने कर लिया है हमारे बैलेंस uh, शीट के अंदर भी कोई गुडविल थी नहीं तो राइट right ऑफ करने की जरूरत नहीं थी जो शेयर था उसको हम देना लेना कर चुके हैं गुडविल का पार्ट खत्म हो गया रिजर्व एंड सप्पल एक्यूमलेटेड वगैरह किया हाँ हमने रिजर्व सारे बांट लिए हैं कोई और एक्यूमिलेलेटेड या फिर डेफॉर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं थे तो थर्ड पार्ट भी हो गया फोर्थ इफ नीडेड कैपिटल एडजस्टमेंट हमने कैपिटल एडजस्टमेंट भी कर ली है तो उससे जो पैसा आना था वो भी हमने एड कर दिया आना जाना, जाना जाने वाला माइनस आने वाला एड ये वाला पार्ट हमने कर लिया अब अदर देन दिस हमारे पास कुछ और तो चेंज है ही नहीं तो हम स्टॉक जो हमारे पास था बैलेंस शीट में नाइनटीन थाउजेंड सेम का सेम रखेंगे ठीक है फिर हमारा था मशीनरी मशीनरी का भी बैलेंस सेम रखेंगे बिल्डिंग we भी था हमारा वन लाख का उसको भी सेम रखेंगे नो no चेंज लाइबिलिटी साइड पे हम बात करेंगे सिर्फ कैपिटल और तो कुछ है नहीं सो so, यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल किसकी किसकी कैपिटल रखनी है उसकी एक और चीज भी है भूल गए वाइज लोन अकाउंट कोई बात नहीं लिख देते हैं एक्स एंड जेड एक्स और जेड की कैपिटल जो उन्होंने बोला है नाइन्टी थर्टी वन लाख ट्वेंटी तो यहां पे वाइज लोन अकाउंट नहीं भूलना है वाइज लोन अकाउंट सिक्सटी एट सिक्स हंड्रेड जो वाई के लोन अकाउंट में डाला है कैश हम ऑलरेडी कर चुके हैं री भी कर चुके हैं दर इज़ अनदर थिंग कुछ बाकी है नहीं कुछ बाकी नहीं है चलो अब फाइनल कर देते हैं टोटल कर लें अगर टोटल आ गया तो आपका नसीब नहीं आया तो मेरा नसीब चलो यहाँ देखते हैं वन लाख ट्वेंटी प्लस सिक्सटी वन लाख एट्टी वन लाख एट्टी एट सिक्स हंड्रेड यहाँ पर टोटल कर लेती हूँ वन लैख एटी एट सिक्स हंड्रेड ये दोनों का टोटल है फोटीन वन हंड्रेड यानी कि ये आ गया वैल्यू टू लैख ट्वेंटी सेवन हंड्रेड ओके यह देख लेते हैं लग तो रहा है क्योंकि नाइन हंड्रेड और एट हंड्रेड सेवन तो होता है चलो देख लेते हैं वन लैख वन लाख फिफ्टी एट वन लैख फिफ्टी एट प्लस वन लैख सिक्सटी एट वन लैख सिक्सटी एट ये टेन हो गया वन लैख सेवेंटी वन लैख सेवेंटी सेवन वन लैख सेवेंटी सेवन थाउजेंड यहाँ तक हो गया है ये तीनों को मिलाकर अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं जीरो ज़ीरो नाइन प्लस एट सेवन वन ये हो गया सेवन प्लस एट फिफ्टीन फाइव वन टू ये यहाँ तक भाई ज़्यादा आगे चला गया ज़ीरो ज़ीरो सेवन फाइव प्लस फाइव प्लस सेवन टू वन ज़ीरो और करेक्ट सेम है कोई चेंज नहीं है मतलब आपकी किस्मत अच्छी है चलो बढ़िया तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया हमने क्वेश्चन में जो पढ़ा था रीवाल्युएशन क्रेडिटर्स कम थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टेन परसेंट बढ़ाना था लेकिन टेन परसेंट बनाना था तो इसलिए जो सेवन हंड्रेड एक्स्ट्रा डालना था वो डाला रीवालुएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर किया बैलेंस दिए हुए थे प्रॉफिट के जनरल रिजर्व दिया था सिक्स थाउजेंड का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ था नाइन थाउजेंड का कुछ क्लेम नहीं है कुछ नहीं है तो बांट दो क्या करेंगे फिर गुडविल की एंट्री गुडविल 36,000 थी जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका बैलेंस निकाला उसको नए पार्टनर सॉरी जो बचे हुए पार्टनर नए नहीं, नहीं बचे हुए पार्टनर अपने गेनिंग रेशम में थ्री इज टू टू मेल देंगे उसको नाइन एंड थ्री तो नाइन एंड थ्री वाई को दिया एक्स और जेड ने एक्स और जेड ने दे दिया वाई को नाइन थाउजेंड इमिडिएटली पे किया बाकी लोन में ट्रांसफर कर दिया ठीक है इनकी कैपिटल चाहिए वन लाख ट्वेंटी तो बाकी लेना देना जो भी है वो कैश से करना है ठीक है वन लाख ट्वेंटी को नए रेशियो थ्रीज टू वन में बैठता है नाइन्टी एंड थर्टी थ्रीज टू वन ठीक है सो नाइन्टी थर्टी हो गया वन लाख ट्वेंटी इसके हिसाब से इससे सिक्स हंड्रेड और इससे टू हंड्रेड मंगवाने पड़ेंगे क्योंकि कम पड़ रहा है बैलेंस में कम पड़ रहा है ये सिक्स हंड्रेड टू हंड्रेड हम ऐड करेंगे कैश में और जो गया उसे माइनस करेंगे फिर हमारा कैश आएगा उस बेसिस पे बाकी कोई एसेट में तो कोई चेंजेस थे नहीं साथ साथ, साथ चेंजेस कर दिए लोन अकाउंट हम भूल जाते हैं लिखना याद रखना हमेशा क्योंकि इस वजह से भी मार्क्स कटते हैं बैलेंस शीट टैली होती नहीं है आपकी तो आपको भी स्ट्रेस आता है आगे क्वेश्चन कर नहीं पाते तो वाई का लोन अकाउंट कभी भी लोन अकाउंट किसी भी पार्टनर का यहाँ लिखो साथ साथ ही उसको बेलाइबिलिटी में डाल दो ताकि भूले नहीं ठीक है ताकि हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाए ईजिली चलो इसके बाद एक दो और हम करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट के बट डिफरेंट टाइप के